Hello everyone, welcome back to another new beauty related video. बहुत दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ एक ब्यूटी रिलेटेड कुछ शेयर करूं। ये आइडिया आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ मैं ये पाउच शेयर करूं। ये दोनों पाउच के अंदर क्या क्या है, ऑब्वियसली ब्यूटी रिलेटेड वीडियो है तो ब्यूटी रिलेटेड ही कुछ रहेगा, क्या क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। वैसे तो फ्रेंड्स मैं इतना भी मेकअप नहीं करती हूँ, बट हाँ आजकल सब कोई करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं करने से भी अच्छा नहीं लगेगा, मेकअप करने से हमारा ब्यूटी और उभर के आता है। बट इसका मतलब नहीं कि मेकअप ही ब्यूटी कराता है, जो ब्यूटी है वो तो ब्यूटी रहेगा ही, वो चाहे मेकअप करे या ना करे। बट थोड़ा एनहांस करने के लिए वी ऑल गर्ल्स गो फॉर मेकअप। वैसे ही थोड़ा बहुत मैं भी यूज करती हूँ। तो फर्स्ट ये है लैक्मे कॉम्पैक्ट, नो रोज पाउडर, ये है लैक्मे रोज पाउडर। बहुत ही गुडविल प्रोडक्ट है ये मार्केट में, और विथ सनस्क्रीन। ये मैं हमेशा लगाती हूँ, मैं और मेरी मम्मी जी हम दोनों ही लगाते हैं। इसका रिव्यू अगर मैं दूँ अ बिग थम्स अप, इफ यू वांट टू बाय अ गुड पाउडर, फेस पाउडर फॉर योर डेली यूज गो फॉर। उसके बाद मैं रैंडमली जो मेरे हाथ में आ रहा है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिंदूर, लिक्विड सिंदूर, और इसका ब्रांड है फ्रॉम मोदी केयर। ये मेरी सासू मम्मी ने मेरे लिए खरीद के लाया और ये बहुत ही अच्छा है, आई एम हैप्पी। एंड उसके बाद है ये लैक्मे का सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम, सीसी क्रीम है, एंड आई एम इन द शेड फ्रैपे। उसके बाद है मेरे कुछ लिपस्टिक। वैसे तो मेरे पास कुछ ज़्यादा हाई एंड लिपस्टिक नहीं है, बट लो एंड भी नहीं है, जो भी है बहुत ही अच्छा है, लिप्स के लिए बहुत अच्छा है, लिप्स क्रैक ही नहीं कराता है आफ्टर यूजिंग दिस। तो मेरे पास है अभी स्विच ब्यूटी का, स्विच ब्यूटी, और आई एम इन द शेड मॉव ब्लश, मॉव ब्लश। सो फ्रेंड्स इसका शेड कुछ न्यू लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता है, आई एम फैन ऑफ न्यू लिपस्टिक, तो मैं हमेशा वही लाइट शेडेड का लिपस्टिक ढूंढती रहती हूँ ऑनलाइन में। तो ये एक है वन ऑफ माई, इसके साथ मिक्स एंड मैच करके और कुछ डार्क शेड मिलाकर एक अच्छा सा अपना लिप्स का शेड लाती हूँ, लिप कलर लाती हूँ लिपस्टिक के जरिए, फिर मैं उसको पैन करता है। और इसका ब्रांड है एवन, सिंपली प्रिटी एवन, और इसका शेड है मालवा। अगर मुझे पहनने को मन नहीं कर रहा लिपस्टिक, बट अभी लिपस्टिक के बिना बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको लगा कर जाती हूँ। ये फिर ये है लैक्मे 925 लिपस्टिक, और ये भी न्यू लिपस्टिक ही है, और इसका ओप्स इसका शेड का मीन्स शेड इधर नहीं है, तो जो भी हो दिस इज ऑल्सो न्यू लिपस्टिक। दिस इज मैक, ये एक ही मेरा मैक का लिपस्टिक है, वो भी ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर हो तो आप न्यू लिपस्टिक के साथ मिक्स एंड मैच करके आप एक बहुत अच्छे से लिप शेड अपने लिप्स में ला सकते हो फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप लोगों को पता ही होगा। बट इसका डबल फ्रज इसका शेड का नाम है, एंड दिस इज माई ऑब्वियसली मैक का है, फेवरेट है, थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ। बेसिकली मैं इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, मीन्स पूरा लिप्स को मैं ये इसको इतना ही डीप शेड है फ्रेंड्स, मैं पूरा लिप्स में नहीं लगाती हूँ, बट बस थोड़ा न्यूड लिपस्टिक देकर और उसके बाद डार्क लिपस्टिक से अंडरलाइन करती हूँ, एंड फ्रेंड्स वाओ बहुत ही अच्छा कलर देता है आफ्टर। तो ये है मेरा एक ही मैक का लिपस्टिक, मैं थोड़ा बचा बचा कर लगाती हूँ जो भी हो। फिर उसके बाद दिस इज रेड लिपस्टिक, ये भी मियोन का है बट बहुत ही अच्छा है, इट्स शेड का नाम है रूवी वू। फिर उसके बाद है लिप लाइनर, आई यूज इट बिफोर आई गो फॉर लिपस्टिक। देन ये है लिक्विड लिपस्टिक मेबेलिन ब्रांड का, और इसका लिप शेड इज लिक्विड लाइनर। आई ऑलवेज यूज लिक्विड लाइनर बिकॉज मुझे ज़्यादा पसंद है एंड आई प्रिफर। और इसका है उसका ब्रश, सिलिकॉन ब्रश है। ये भी एक वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक है, और इसका रेड सेंसेशन, इसका क्या बोलूँ, रेड सेंसेशन इसका सेट है। और कुछ ये एक लिप लाइनर इज फ्रॉम के ब्यूटी,
ये है वन ऑफ द फेवरेट न्यू लिपस्टिक. वैसे तो मेरे बहुत सारे हैं बट उनमें से ये वाला शेड काफ़ी पसंद है मुझे. अरे ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. इसको इतना बार मैं लगाते आई हूँ, अभी भी लगाती हूँ. एवरी डे गो लिपस्टिक का शेड है एंड अभी शायद इसलिए मिलता भी नहीं है. ये है शायद ब्राउनटन, हाँ ये शुगर ब्रांड का है एंड शेड है ब्राउनटन एबी. ब्राउनटन एबी और अभी भी मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा बचा बचा कर यूज़ करती हूँ. और इधर ये थोड़ा ये क्या है मरून और वाइट कुमकुम मैं यूज़ करती हूँ. और ये है आईब्राउज के लिए ब्राउ पेंसिल और ये है लिक्विड लिप्स लिक्विड लाइनर. तो बस और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं है, इतना ही है मेरे ये पाउच में. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिलिटरी पाउच. इसके अंदर बहुत सामान है. चलो फर्स्ट है, नहीं इसमें कुछ नहीं है. हाँ फर्स्ट है ये परफ्यूम टेम्पटेशन का, थोड़ा लगा ही लेती हूँ जो भी हो. आई लव परफ्यूम. और ये है ऑरेक्टो परफ्यूम अफोर्डेबल. मैं एक वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ऑब्वियसली शूट करके, जहाँ अफोर्डेबल एक परफ्यूम रेंज रहेगा. वैसे मेरे पास कुछ एक दो तीन चार अफोर्डेबल परफ्यूम है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक वीडियो के जरिए जो भी हो. एंड ये लैक्मी लूमी क्रीम मॉइस्चराइजर एंड हाइलाइटर. गाइज फर्स्ट में जब इसको यूज़ की दो तीन बार यूज़ करने के बाद आई एम फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट. इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ दिस लूमी क्रीम देन गो फॉर. अपने स्किन पर देगा और लगेगा कि पूरा इतना ग्लो करेगा ना कि आप इसका फैन बन जाओगे. ये है पैक का एक सेटिंग स्प्रे, सॉरी ये है फेसेस कैनेडा सेटिंग स्प्रे. छोटू सा है क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बट जब मेकअप करती हूँ थोड़ा बहुत लगता है. मेकअप को सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए अ सेटिंग स्प्रे. और ये है एक ब्यूटी शिमर ब्रिक्स, एक क्या बोलूँ हाइलाइटर. ये नॉर्मल सा ब्रांड है, ज़्यादा हाई ब्रांडेड नहीं है. और उसके बाद मेरा कुछ ब्रशेस जो कि मैं अपने मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ. ये है एक फ्लफी ब्रश फाउंडेशन के लिए यूज़ करती हूँ. और ये है स्विस ब्यूटी का ब्लश, जब मैं ब्लश लगाती हूँ मैं इसे यूज़ करती हूँ. बहुत ही ये दोनों ये नॉन ब्रांडेड है, मैं खरीदी थी किसी और एक शॉप में, शॉप से ही खरीदी थी, लोकल शॉप से. और इसको मैं ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट से खरीदी थी. प्राइस कितना आई डोंट नो, ऑब्वियसली 200 समथिंग मुझे ये इसका प्राइस मिला था और प्राइस में मिला था. और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट ये ब्रश का स्ट्रक्चर है. तो गो फॉर इट इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ अ गुड मेकअप ब्रश. और नेक्स्ट है दिस, और एक तो ये ब्लश है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लश है और स्ट्रॉबेरी डिप. और वो वाला था शायद जो मैं पहले दिखाई थी, वो था वाटरमेलन समथिंग, द वाटरमेलन से स्टार्ट होता है वो. और ये है स्ट्रॉबेरी ड्रिप, अच्छा यूज़ करती हूँ मैं. और ये है एक वुडन कॉम्ब, बहुत ही अच्छा होता है ना नीम वुडन कॉम्ब. तो ये नीम के लकड़ी से बना है, ऑब्वियसली आके बना है नीम से ही बना है कि क्या है पता नहीं, बट मैं जब खरीदी थी तो नीम के लकड़ी का मुझे चाहिए था, तो वैसे ही मैं खरीदी थी, उसको सर्च करके खरीदी थी. तो या मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बट कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ जो भी हो. फिर नाउ नेक्स्ट, अभी मेरे पास मैं जो भी दिखाऊंगी ज़्यादातर लिपस्टिक ही रहेगा. बट और एक दो है प्राइमर, ऑब्वियसली मेकअप का प्रोडक्ट थोड़ा बहुत जो दिखाई प्राइमर तो बहुत ही ज़रूरी है, इसको कैसे स्किप कर सकती हूँ. ये है नायका का प्रैप मी अ फेस प्राइमर. ऑब्वियसली जिन लोग बहुत मेकअप करते हो एंड वी दोज आर इन टू मेकअप के बिना बाहर नहीं जाते हो, तो आप लोगों को ये फेमस वेरी गुडविल वाला ये जो प्राइमर है आप लोगों को पता ही होगा कितना है, कितना अच्छा प्राइमर है. बड़ा वाला मुझे इतना नेसेसरी नहीं था क्योंकि मैं इतना मेकअप नहीं करती थी, बट इसलिए छोटू सा खरीद ली हूँ. बट जब भी करूँगी तो अच्छा प्रोडक्ट से ही करूँगी. तो ये वाला नायका का है, ऑफर में था, कितना प्राइस लिया था आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा खासा ऑफर में मुझे ये मिल गया था. फिर है डॉटन की और एक तो लूमी क्रीम, वो लैक्मी वाला लूमी क्रीम भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स. उसके बाद मुझे ना ज़्यादा प्रोडक्ट ट्राई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है. बट हाँ जब मैं खरीदती हूँ ना तो मैं अच्छे से देख कर खरीदती हूँ मेरे स्किन टोन पर जाएगा कि नहीं. मेरा स्किन टोन है ऑयली स्किन टाइप है मेरा, तो मेरा स्किन टाइप में वो सूट करेगा कि नहीं. तो आफ्टर रिसर्चिंग आई गॉट दिस एंड डॉटन की का है स्किन केयर स्ट्रॉबेरी ड्यू इन द स्पॉटलाइट स्ट्रोब क्रीम. आई एम अ लिपस्टिक पर्सन, मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता है
ऑब्वियसली न्यूड ही ज्यादा है, मुझे हल्का कलर ज्यादा पसंद है। तो ये है नायका का ये लिपस्टिक। ऑब्वियसली ये शेड, जो शेड मैं बोलने जा रही हूँ, इसका है शायद जेन, ये शेड का नाम है जेन। एंड आप लोगों को पता ही होगा, ऑब्वियसली दोज हु आर इन मेकअप, ये नायका का पर्टिकुलर ये शेड सबको, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर लड़कियों को बहुत पसंद है ये लिपस्टिक का शेड। सो या थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद है ये लॉरियल बलमन कलेक्शन, ये लिमिटेड एडिशन का था और मैं इसे शादी से पहले खरीदी थी। ऑब्वियसली मिक्स एंड मैच करने के लिए मैं ऐसे खरीदती हूँ। तो ये सारा मेरे सारे लाइट लिपस्टिक है, आपको डीप नहीं मिलेगा। ये भी है कुछ, ये शेड का नाम है, शेड का नाम पता नहीं क्योंकि ये शेड, ये पुराना लिपस्टिक है, शेड का नाम सब चला गया है, बट जो भी हो। और एक है शुगर का, दिस इज 6 फिट अम्बर, ये डार्क शेड है, ब्राउन शेड है, मुझे ब्राउन शेड बहुत अच्छा लगता है। तो ये है शुगर का, इतना ही चॉकलेटी, जब मैं स्मेल कर रही हूँ ना, पूरा चॉकलेटी चॉकलेटी लग रहा है, तो मुझे मन करता है कि अभी थोड़ा अपने लिप्स में लगाओ। और मेरे लिप्स में एक ऑलरेडी मिक्स एंड मैच आ ही गया होगा, एक अच्छा सा कलर, जो भी हो। तो ये है लिपस्टिक फ्रॉम ब्रांड शुगर। और उसके बाद ही एवन का, ये थोड़ा ही पिंक वाला, प्लम पिंक ऐसा काइंड का शेड है, ये भी लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेड, व्हाइट के साथ बहुत अच्छा जाता है। ब्लू ड्रेस पहनो तो आप ये शेड पहनो, बहुत अच्छा लगेगा। फिर कॉन्ट्रास्ट करके पहनना चाहिए, वैसे ही नहीं तो जो भी ड्रेस कलर हो, जो भी कुछ लगा दो तो आपको अच्छा लगेगा। लाइट ड्रेस, लाइट कलर हो, लाइट कलर का ड्रेस पहने हो, ज़्यादा मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, आप डीप कलर का लिपस्टिक पहन सकते हो। और बहुत डीप गॉर्जियस ड्रेस पहने हो, आई मेकअप बहुत गॉर्जियस की हो, और वैसे ही गॉर्जियस आपका लिप कलर है, तो बहुत गंदा दिखता है, गो फॉर अ लाइट शेड, कॉम्प्लीमेंट देगा, सब कुछ बैलेंस लगेगा। जो भी हो, उसके बाद है ऑरेक्टो फ्रॉम लॉरियल, एंड इसका भी मुझे शेड नहीं पता है। तो ये है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही, मीन्स क्या बोलूँ, बैगन का कलर लग रहा है पूरा, मैंने ये मुझे पूरा बैगन का कलर लग रहा है, एंड बट इसको जब लिपस्टिक में, लिप्स में पहनोगे ना, तो बहुत ही अच्छा कलर लगता है। दिस इज ऑफ समथिंग वायलेट काइंड ऑफ कलर, नया नया जब इस थोड़ा खरीदने को मन करता था, ऊट पटंग सा कलर, तो टू एक्सपेरिमेंट लिप शेड, जो भी हो। फिर उसके बाद है एक ब्राउन लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड A1, उसका भी कलर शेड ट्रू कलर लिपस्टिक, ये क्या, ड्यूलक्स चॉकलेट, ये शेड का नाम है गाइस, ड्यूलक्स चॉकलेट, और फ्रॉम ब्रांड A1, और ये भी ब्राउन शेड है। ब्राउन शेड बहुत नेसेसरी होता है, आप अगर लिप लाइन करो या कुछ और न्यूड शेड के साथ मिक्स एंड मैच करो, बहुत ही ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद है नायका का स्नूज, यस, लेट इट स्नूज, ये लिपस्टिक का शेड का नाम है, लेट इट स्नूज, एंड फ्रॉम नायका, एंड ये भी बहुत अच्छा है। ये है न्यूड लिपस्टिक, थोड़ा वही क्या बोलूँ, ब्राउन, लाइट ब्राउन आप बोल सकते हो, ऑब्वियसली न्यूड लिपस्टिक है। फिर उसके बाद है ये वैसलिन छोटू सा, फिर उसके बाद ये है स्कारलेट समथिंग, इसका है साइरन स्कारलेट, ये रेड लिपस्टिक है फ्रॉम ब्रांड मेबेलिन। रेड लिपस्टिक 2-3 मेरे पास है, पर मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। फिर और एक तो है, दिस इज फ्रॉम वाइब्रेंट वाउलेट, ये भी एक वाउलेट शेड है। बीच में मुझे वाउलेट शेड से प्यार हो गया था, इसलिए मैं 2-3 वाउलेट शेड खरीद कर रख दी मेरे पास। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रॉम द ब्रांड पैक, ये मिनी वर्जन मैंने खरीदा है, ये है प्रोडक्ट, ये मैं खरीदी हूँ क्योंकि जेल लाइनर हो, मस्करा हो, कभी कभार सूख जाता है, तो आप जितना भी पानी में डालो, गर्म पानी में डालो,
वो कुछ काम का नहीं देता है, तो उसको हल्का करना पड़ता है, वो बहुत जम जाता है, ड्राई हो जाता है। अगर आप आंखों में लगाओगे तो वो फिर गिरने लगता है, मस्करा तो सूख ही जाता है, वो ना के बराबर हो जाता है, यूज ना के बराबर हो जाता है। तो उसको फिर नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए, एज इट इज लाने के लिए मैं ये यूज करती हूँ पैक का। ये एक्चुअली मुझे रिकमेंडेड किया है मेरी एक दीदी है, वो शी इज़ अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं उसको पूछी कि मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट मुझे रिकमेंडेड कर। तो ये है, अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिला था पैक का, ड्यूअल फोल्ड लिक्विड जेल। तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आप लोगों का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जेल लाइनर हो कि मस्कारा सूख गया है, तो आप बस एक ही ड्रॉप इसको ऐसा करके डालिए, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही है। फिर उसके बाद ये है एक फैन ब्रश है, व्हेन आई गो फॉर हाइलाइटर तो मैं जस्ट हाइलाइट ऐसे करके हाइलाइटर, ये है मेरा हाइलाइटर अभी, तो फिलहाल थोड़ा दिखा देती हूँ फॉर योर एंटरटेनमेंट जो भी हो। तो मैं, ये है मेरा प्रोडक्ट, तो मैं ऐसे जस्ट, एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स इधर बहुत सारा शेड है, तो मैं क्या इसको कैसे यूज़ करता है, गो फॉर दिस एंड गो फॉर दिस द हाई पार्ट ऑफ योर चिक्स, द टेम्पल ऑफ योर चिक्स, दिस दिस एंड लिटल ऑफ दिस, योर ब्रिज ऑफ योर न्यूज एंड लिटल बिट ऑन योर फोर हेड। बस लग रही हूँ ना मैं अच्छी, आई नो दैट। बस हो गया। फिर है एक लिप लाइनर जो कि रेड वाला है, एंड इसका अभी ये बहुत पुराना है, तो शेड वर्ड कुछ भी नहीं है। उप्स, गिर गया। फिर एक ब्रश है, मैं वैसे ही रखी हूँ, एंड ये है एक मियोन का, ये चालू माल है क्या बोलो, नॉर्मल लोकल माल है, बट इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि ये न्यूड शेड है, और मुझे, मैं एक ही बात बहुत बार बोली हूँ शायद, मिक्स एंड मैच के लिए ज़रूरी होता है, तो ये भी एक न्यूड शेड है, एंड इसका शेड का नाम है हनी रोज़। तो बस सो फ्रेंड्स दैट इज इट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ब्यूटी रिलेटेड वीडियो। ये सब मैं अपने ये दो दो बैग में, दो दो पाउच में मैं ये सब चीज़ रखती हूँ, जहाँ भी जाना होता है, ट्रैवलिंग होता है, ये दो को लेकर ही दौड़ती हूँ, ट्रैवल करती हूँ। और ये सब चीज़ें बहुत ही नेसेसरी है, और स्पेशली लिपस्टिक ये लगाती हूँ, इतने सारे लिपस्टिक हो गए थे, अभी इसको खत्म करूँ फिर कुछ नया खरीदूँ, बहुत दिन हो गया लिपस्टिक मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है। सो होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, अगर इनमें से कुछ खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये सारे मेरे रिकमेंडेशन है, स्पेशली द लूमी क्रीम, ये मेकअप फिक्सर हो, ये वाला हो, परफ्यूम हो, ब्रश हो, जो भी आप लोगों को मैंने यूज करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर किया। इफ यू वांट टू बाय यू कैन गो फॉर इट। फिर मैं मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ, नया ब्लॉग के साथ, बाय, टेक केयर, गड्डी की लाइफ स्टाइल। Damn.